नमस्कार, मेरा नाम शिव साजन है। आप देखना शुरू कर रहे हैं नेशनपुर। आज मैं यहाँ पे एक नहीं दो रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। वो तो आप थंबनेल में देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ। क्या? कुड्डू मिलेट जीरा राइस और पालक कॉर्न सब्जी। ये रेसिपी जितना सिंपल लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी है। अगर ये रेसिपी आप आखिर तक देखते हैं तो ज़रूर आप आपके डाइट में शामिल करेंगे। अगर ऐसे रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि हमको हौसला मिलता रहे और भी अच्छे अच्छे रेसिपी लाने के लिए। तो चाहिए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जी वही बोलने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन म्यूजिक के उस पार। कुड्डू मिलेट जीरा राइस बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुड्डू मिलेट हाफ कप लूंगा। और ये कुड्डू मिलेट बहुत ही हेल्दी होता है। अभी क्या करेंगे, ये जो मिलेट है इसको अच्छे से वॉश कर लूँगा, ताकि इसके अंदर जितना भी कचरा है वो निकल जाएगा। कम से कम दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लूँगा। अभी मेरा अच्छे से वॉश हो गया है। अभी क्या करूँगा, इसमें वाटर डाल के इसको सोक करके रख दूँगा 6 to 8 आवर। तो चलिए सोक करके रखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मेरा सोक हो गया है कुड्डू मिलेट। अभी क्या करना है, वाटर को मैं अलग कर देता हूँ और मिलेट को अलग कर देता हूँ। बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा मिलेट जब हम लोग बनाते हैं हमारा सॉगी हो जाता है। अगर इस प्रोसेस से आप मिलेट बनाएंगे तो कभी भी आपका मिलेट सॉगी नहीं होगा। ये वाटर मैं अलग करता हूँ और इसी वाटर से बनाएंगे कुड्डू मिलेट। यहाँ पे मैं थोड़ा से घी लिया हूँ, आप ऑयल भी लेके बना सकते हैं। और यहाँ पे क्यूमिन सीड ऐड करता हूँ एक सॉसपैन में, और थोड़ा से ओनियन चॉप देता हूँ। और फिर क्या करेंगे, थोड़ा से सौते कर लेता हूँ ओनियन को, ताकि ओनियन थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 1 to 2 मिनट लगेगा होने के लिए। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मिलेट को ऐड कर देंगे। मिलेट अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और घी उसके मिलेट के चारों ओर लग जाएगा, ताकि मिलेट और सॉगी नहीं होगा। अभी जिस मिलेट में मैं सोक करके रखा था उसी मिलेट का वाटर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। हाफ कप मिलेट लिया था तो 1 कप वाटर ऐड करना है। इसका रेशियो हुआ 1 कप मिलेट 2 कप वाटर। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हिमालय पिंक सॉल्ट थोड़े से ऐड करते हैं इसमें, और फिर इसको मिला देते हैं। अभी क्या करना है, इसको कवर करके कम से कम 10 मिनट मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से मिलेट हुआ नहीं है, अभी भी इसमें मॉइस्चर है। तो क्या करना है, इसको एक बार मिला के फिर अभी इसको छोड़ देंगे और 5 मिनट के लिए, ताकि मिलेट के अंदर जो मॉइस्चर है, थोड़ा सा पानी है, वो ख़त्म हो जाएगा पूरा स्लो फ्लेम में। अभी देख लीजिए आपका मिलेट बन के तैयार है। आप जो कॉम्प्लेन करते हैं ना, हमारा मिलेट खिला खिला नहीं होता है, अब देख लीजिए आपका मिलेट पूरा खिला खिला हो जाएगा, अगर आप इस टाइप का बनाते हैं। लेकिन स्किप मत कीजिए रेसिपी को। अभी बनाएंगे पालक कॉर्न, पूरा सिंपल बनाएंगे और बहुत ही हेल्दी बनाएंगे। मैं पहले से पानी को यहाँ गर्म कर दिया हूँ, और 250 ग्राम पालक लेकर अच्छे से चॉप करके वॉश करके फिर इसको थोड़ा से ब्लांच करेंगे। पालक ब्लांच हो जाएगा।
अभी क्या करेंगे, कम से कम 2-3 मिनट लगेगा ब्लांच होने के लिए। ठीक है, अभी इसको ब्लांच कर देते हैं। ये मेरा पालक ब्लांच हो गया है, अभी क्या करना है, इसको स्ट्रेन करना है। और ये पालक मेरा ठंडा होने दो, फिर मैं इसको क्या करूँगा, एक स्मूथ प्यूरी बना देता हूँ। तो जिस पालक पानी में मैं ब्लांच किया उसी वाटर में मैं इसको प्यूरी बनाया। अभी क्या करेंगे, हमारे यहाँ फ्रेश कॉर्न है, इसको भी बॉईल कर लेते हैं। कम से कम 3 से 5 मिनट लगता है बॉईल होने। ये देखिए यहाँ पे मेरा बॉईल हो गया है, इसको भी स्ट्रेन कर लेते हैं और इसको भी साइड करके रखते हैं। तो अभी चलिए बनाते हैं पालक कॉर्न। यहाँ पे कढ़ाई एक लेता हूँ और उसमें थोड़ा से घी लेता हूँ, आप ऑयल भी ले सकते हैं, और थोड़ा से अजवाइन सीड, ये बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, और फिर थोड़ा से गार्लिक, और इसको थोड़ा से सौते कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें थोड़ा से ऐड करना है एक ओनियन चॉप और थोड़ा से ग्रीन चिली, ये ऑप्शनल है, आप अगर ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ग्रीन चिली को। इसको थोड़े से 2-3 मिनट सौते कर लेते हैं, और फिर अभी हमारा ओनियन सॉफ्ट हो गया तो मेरा जो पालक प्यूरी बनाया हूँ इसमें डाल देते हैं, और जो थोड़ा से मेरा ग्राइंडर के अंदर लगा है उसको अच्छे से इसको धो के इसके अंदर डाल देता हूँ। अभी क्या करना है, इसमें कुछ मसाला ऐड करते हैं, जैसे कि रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, रोस्टेड कोरिएंडर पाउडर, और थोड़ा से करी पाउडर, और थोड़ा से ब्लैक पेपर पाउडर, और हिमालय पिंक सॉल्ट टू टेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया मेरा मसाला, ज़्यादा मसाला नहीं दिया हूँ और बहुत ही हेल्दी बनाने का कोशिश किया हूँ आपके लिए। ये देख लीजिए मसाला मिक्स हो गया। अभी क्या करना है, अभी मेरा पालक का ग्रेवी रेडी हो गया है, तो इसमें ऐड कर देता हूँ कॉर्न। कॉर्न भी बॉयल है तो इसको ज़्यादा देर पकाऊंगा नहीं, अगर ज़्यादा देर आप पकाएंगे तो पालक का न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाएगा और पालक का कलर भी चला जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा से कस्तूरी मेथी ऐड कर देता हूँ और इसको मिक्स कर लेता हूँ। अभी मेरा यहाँ पे पालक कॉर्न रेडी है। अभी बोल पे कुडू मिलेट जीरा राइस निकालते हैं। ये हो गया मेरा कुडू मिलेट जीरा राइस, बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर से थोड़ा से कोरिएंडर लीव्स गार्निशिंग कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे और एक बोल में पालक कॉर्न निकालता हूँ और ऊपर से थोड़ा से जिंजर, जुलियन किया हुआ जिंजर गार्निशिंग कर लेता हूँ। और ये देखिए बन गया हमारा, बन के तैयार है, बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी और टेस्टी और ग्लूटेन फ्री डिशेस। ऐसे ही हेल्दी, ग्लूटेन फ्री और टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले बहुत सारे रेसिपी आपको मिल जाए। तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।